मेरा नाम शेख मोहम्मद अकरम राज है। ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति कांग्रेस करने जा रही है और ओम पर जो अगर राजनीति कर रही है, ओम दुनिया का ऐसा शब्द है, भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया का शब्द है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको सबके समझने की ज़रूरत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला धर्म है हिंदू धर्म, दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, विश्व में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई था दुनिया के अंदर इतिहास में आप देख लीजिएगा तो वो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म के बाद ईसाई आया, ईसाई धर्म के बाद आया मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म के बाद आया सिख धर्म। जब सबसे पहला धर्म है तो इसका पहला स्थान भी यही है कि ओम से ही हमारी शुरुआत होती है। ओम से जो शांति मिलती है, किसी भी ऋषि मुनि या किसी मौलाना के बारे में आप अगर जान के, मैं आपको बिल्कुल जस्टिफाइड करके, चूँकि मैं भी खुद ओम का जाप करता हूँ, तो ओम में जितनी शांति मिलती है उतनी किसी भी जगह पे शांति नहीं मिली। अब शस्त्र की बात आ गई, शस्त्र पे पूजा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी की ये याद में पूजा किया जाता है, ये शस्त्र उसी से है और हर जगह हर धर्मों में इसकी पूजा होती है, वो किसी भी रूप में हो। अब जल को जो है वाटर कह लें और गंगा कह लें, ये तमाम अनेक प्रकार के नाम हैं, मगर सबसे पुराना धर्म अगर है तो हिंदू धर्म है। इस बारे में सभी युवाओं को जानकारी होनी चाहिए, तभी आप फाइट कर सकते हो। और मोदी जी को आपको कोऑपरेट करना चाहिए, कांग्रेस को कोई भी ज्ञान नहीं है, वो अज्जल गगरी छलकत जाए उसको उतना ही ज्ञान है जितना उसको पढ़ाया गया है उतना। नेहरू जी गांधी जी को पढ़ाए पाठ कुछ ऐसा कि जिसमें जो है हमारे देश की यह आज स्थिति ऐसी है, न वरना स्थिति बहुत अच्छी होती, बड़ी बढ़िया स्थिति होती उसी समय में, मगर नेहरू जी के कहने पर मोहनदास करमचंद गांधी ने एक ऑल इंडिया का चुनाव रखा यूथ कांग्रेस का, जिसके अंदर हमारे सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे। उस समय में भी उन्होंने इस गांधी को ऐसा बरगला दिया नेहरू के कहने से, जो कि वो चुनाव हुआ और उसके अंदर मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू जी ने जो आदमी खड़ा किया था उसका नाम था सीता रमैया पट्टा। पट्टा के लिए बेहिसाब मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू ने संघर्ष किया कि ये चुनाव जीत जाए, मगर जिस जो हालत आज है बेईमानी की, कांग्रेस की, बरगलाने की, वही उस समय थी। आखिर में वो चुनाव हार गया सीतारमैया पट्टा और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी फॉरवर्ड पार्टी बनाई। तो कांग्रेसियों का आज से नहीं, आज़ादी के समय से जमाना था बहकाने का, ये युवाओं को बहकाती रहेगी, वोटर के लुभावने सपने दिखाती रहेगी, काम कुछ नहीं करेगी। और हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है विश्व का, भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो आप सोच रहे होंगे भारत की बात कर रहे हैं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पहला धर्म है। और इस पर कोई भी डिबेट ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कांग्रेस को कि ये तो पुराना धर्म है, इससे बड़ा धर्म नहीं था, ये तो कुछ कुरीतियों की वजह से, हमारी कुछ मानसिकताओं की वजह से ये सिकुड़ गया था, इसलिए अब फैल रहा, तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत आ रही है कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारे मोदी जी के खिलाफ कोई अगेंस्ट कोई मिल नहीं पा रहा है, कि कोई विपक्ष नहीं पा, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, आप ज़्यादा कहना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि कांग्रेस जो हमारी विपक्षी पार्टी है उसे सोच के जवाब देना चाहिए, कभी वो 370 को लेकर राजनीति करती है तो कभी वो शस्त्र पूजा को लेकर बोलती है। नहीं नहीं, उनके पास मुद्दे नहीं है, मेन बात यह है 370 पर भी जो लोग राजनीति कर रहे थे गलत, मुसलमानों को बहका कर ईंट पत्थर या तमाम तरह के डिफेंस के ऊपर हथियार उठाने का काम कर रहे थे, वो जो बखूबी चाणक नीति से अमित शाह ने जिस तरह से डिफेंस किया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, ना हिंदू को है ना मुसलमान को। आप बताइए कोई मुसलमान वहाँ नारेबाजी कर रहा हो या हिंदुस्तान में कोई आदमी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हो, कोई एक ऐसा जुलूस बताइए जंतर मंतर से लेके किसी जगह की, हाँ भाई 100 लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे कि 370 गलत है, आप बताइए कहीं है? हमको तो नहीं मिला, हो सकता आपको टकरा गया हो, मेरे संज्ञान में नहीं, मगर शस्त्र की पूजा ओम से ही होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओम सबसे अच्छा शब्द है। और जो लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं उनको एक बार कहूँगा कि नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा 10 मिनट ओम का अगर जाप करेंगे बड़ी शांति मिलेगी, ये हमने साइंस भी कहती है। जम्मू कश्मीर में 24 नवंबर को BDC के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अब कांग्रेस ने हाथ खड़े कर लिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता तो नज़रबंदी में है तो इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, आप तो नज़रबंदी में नहीं, आप करिए ना प्रचार, आपको कौन मना करता है, वो कोई नेता थोड़ी थे, नेता तो आपके दम से थे, पहचान तो कांग्रेस पार्टी से हमारी, हम उनके साथ होंगे तो हमारी पहचान कांग्रेस से होगी। अगर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या मुफ्ती तो अपनी, हाँ
पार्टी से पहचाने गए ना, तो कांग्रेस पार्टी तो जिंदा है, ये तो नज़रबंद नहीं है, राहुल नज़रबंद नहीं है, प्रियंका गांधी नज़रबंद नहीं है, सोनिया गांधी नज़रबंद नहीं है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो नज़रबंद नहीं, ये लोग प्रचार करें, क्या दिक्कत है, कहाँ नज़रबंद है उनको, नज़रबंद वो तो कभी भाजपा के भी साथ थे, ऐसा नहीं है कि शेख अब्दुल्ला साहब जो है अब बीजेपी के साथ नहीं रहे, ये तो इनका इनका उत्तराधिकार नहीं है, वो तो अपने इंडिपेंडेंस है, आप खुद लड़िए, आप खुद समझिए, आपकी पार्टी लड़ रही है ना, नेता थोड़ी लड़े, नेता अपराधी होगा तो वो जेल जाएगा तो क्या पार्टी पूरी खत्म हो जाएगी, पार्टी तो नहीं खत्म होगी, मान लिया भाजपा से संघर्ष अंदर है तो क्या पार्टी थोड़ी खत्म होगी, वो उनका काम था वो चले गए, आपकी पार्टी चुनाव लड़े, मगर आपको पता है हम बहानेबाजी की युवाओं के लुभावने सपने देकर वोट खरीदना चाहते हैं, वो राजनीति इनकी खत्म हो रही, कांग्रेस पार्टी तो है, कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो इस क्षमता की नेतृत्व कर सके, अब नेतृत्व की कमी है, भाजपा के पास नेतृत्व है, सोच है, नीत है, नियत है, और बड़ी क्लियरिफिकेशन के साथ और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो आगे बढ़ रही है, ये विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होगी और इसका बड़ा लंबा वजूद होगा, ये छोटे वजूद के लिए ये तो 40-50 साल के अंदर बड़ी छोटी छोटी टुकड़ों में सिमट गई, 77 में भी सिमटी, 72 में सिमटी, टूटती गई लगातार और टूटती जाएगी आगे, हमको लगता है बहुत पहले लोग कहेंगे कि कभी कांग्रेस हुआ करती थी, तो ऐसा हमको ज्ञात होता है, बाकी आगे ऊपर वाला मालिक है। कांग्रेस के लिए आप बुराई कर रहे हैं? नहीं तो अच्छाई भी होनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस के लिए आप बुराई कर रहे हैं? बुराई तो नहीं है, अच्छा ही है, ये उसकी पहचान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस की क्या अच्छाई है, आप एक बात बताइए। ये वो लोग हैं कि जमुना गए जमुना दास, गंगा गए गंगा दास, जमुना, ये इन लोगों का कोई स्थिति नहीं है, इनको जहाँ से लड्डू मिल गया ये वहीं पहुँच जाते हैं, ये कहते हैं अपने आप को मुसलमान, मुसलमान कब सच्चा है ये मुझे इनसे पूछ के बताइए, क्या राज बीजेपी कांग्रेस ने क्या देश में काम नहीं करा, कांग्रेस ने क्या करा है, बिल्कुल करा है कांग्रेस ने काम, कांग्रेस ने 65 साल 67 साल राज किया है, किसने कराया है, इन जैसे कम्बालों वालों ने कराया है, वोट क्यों दिया उन्हें भाई, अगर वो पार्टी चोर थी, गांधी कम बाल वाला था, अच्छा गांधी आदमी नहीं था, तो फिर ये गांधी नाम क्यों लिखते हैं, सोनिया को सोनिया लिखना चाहिए, गांधी नहीं, गांधी नाम जो है, गांधी तो गांधी जी को तो होने ही नहीं चाहिए था देश में, हाँ ये गांधी जी को तो होने ही नहीं चाहिए था, गांधी जी जो थे उस देश का बंटवारा करने में सबसे बड़ा हाथ गांधी का है, महात्मा गांधी का है, अगर महात्मा गांधी सुनिए सर, आपने कहा, आपने एक्सक्यूज मी, आपने ये मुझसे पूछा अभी सर से कहा कि आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हो, चलिए आप मुझे इस बात पे आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कल राफेल की जो शस्त्र पूजा हुई थी उसके बाद जो कांग्रेस के विवादित बयान थे, उन्होंने ये कहा था कि ना इस तरह की ना इस तरह के तमाशे कांग्रेस करती है, ना कांग्रेस को पसंद है, उन्होंने इस चीज को तमाशा क्यों कहा? नहीं, वो चीजें दूसरी हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, ठीक है, मैं उससे एक साल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ NSY से, ठीक है, और बट मैं मोदी जी के भी साथ हूँ, सबके साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक भारत का नागरिक हूँ तो मैं पूरे भारत के साथ हूँ, पूरे इंडिया के साथ हूँ, ऐसा किसी पार्टी के लिए मैं बुराई नहीं कर सकता, किसी पार्टी के लिए मैं अच्छाई नहीं कर सकता। राफेल के बारे में तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन राफेल हर चीज़ में अब हिंदुत्व क्यों आ रहा है, क्या उसमें पायलट बैठने वाला मुसलमान नहीं होगा, कल को तो ये बीजेपी वाले कह देंगे भाई इस पे हमने ओम लिख दिया है, इसमें कोई मुसलमान पायलट बैठेगा ही नहीं, इस पे जहाज में मुसलमान पायलट चलाएगा ही नहीं, तो ये बीजेपी जो है ये धर्म को, हिंदू धर्म को प्रचार कर रही है, क्यों कर रही है, क्या डर रही है, हिंदू धर्म क्या समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है क्या, राफेल लाए हैं बहुत अच्छी बात है, राफेल के बगैर क्या हमारा देश चल नहीं रहा था, क्या सन 1965 में हमने बगैर राफेल के पाकिस्तान को धूल नहीं चटाई, क्या हमने 1992 में कारगिल के ऊपर बगल, अगर देश बदल रहा है, आपको बताया कि जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि अगर आप इतनी सारी पुरानी बातें कर रहे हो तो राफेल फ्रांस से लिया जा रहा है जिसकी डील पहले हो चुकी है, और जो चीज सैन्य शक्ति को बढ़ा रही है उसे ले जाना, पहले कितने का था ये, पहले 560 करोड़ का था, आज कितने का ले रही है बीजेपी, ये बताइए, 1670 करोड़ का ले रही है, क्यों ले रही है,
क्या जरूरत है हमारे देश को, क्या जरूरत है? तमाम सारी व्यवस्था बड़ी है, देखिए व्यवस्था बढ़ जाती है एक साल में, महंगाई जब बढ़ती है तो व्यवस्था भी बढ़ती है। ये तो देखिए ऐसा ना, व्यवस्था बदलने के साथ साथ काम होता है, ऐसा नहीं। जब चाइना पांचवी पीढ़ी का भगवान जा रहा है, तब भारत को भी उसको लेवल को जाना होगा ना। हमें इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जाना होगा, खाली देश को ही देखेंगे, देश के लेवल पे हमें बढ़ना है, हमें कंपटीशन लेना होगा। मोदी जी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ये गौतम का देश है? गौतम का देश है ये, गौतम का है, श्री राम का देश है, लेकिन इसके साथ जी क्यों नहीं लेंगे? हम राफेल से आगे बढ़ेंगे, हम देश की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ेंगे, हम देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। हमको टक्कर चाइना से लेना है सर, हमको चाइना के साथ ही लेना है, चाइना हमको कंपटीटर है, ना कि पाकिस्तान है। हमने चाइना से टक्कर क्यों लेनी है तो बताइए क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ डेवलप उसके लेवल का होना है। हमला करते फिर क्या करोगे आप? चाइना ने 1962 में धोखे से हमला किया था, और उसको धोखे से किया था। आरएसएस ने सेना की जाके सेवा करी थी, और जिस आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू ने बैन कर दिया था 1963 में गणतंत्र दिवस में, अरे फिर गणतंत्र से बुलाया भी तो था, थूक के चाटा भी तो था उसने। किसने चाटा था? जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में। अरे तो तुम बात, अरे प्रधानमंत्री आएगा, देश को बर्बाद कर दिया उसने, देश को बर्बाद कर गया वो। सर ने ये भी कहा कि जो बीजेपी है वो हिंदू, उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू जो वहाँ पे राफेल की शस्त्र पूजा की गई वो क्यों गई, इसमें भी आपने जवाब दिया। मैडम जी पूजा क्यों नहीं की जाएगी? देखो बात सुनो, ओम का लगाया ना, ओम का निशान लगा के उसने नारियल भी रखा है, ठीक है। और जिस बंदे ने ये बात करी है वो बिल्कुल नास्तिक किस्म का आदमी है। और 43% मैडम, 43% जनता या हिंदू है यहाँ पर, ये भी बता दूं मैं, बाकी सब क्रिश्चियन ईसाई मुसलमान, चलो 60 चलो वो भी बात नहीं है, लेकिन अगर उसने पूजा कर दी तो मेरे को बताओ क्या कर दिया उसमें। देखो दशहरे के दिन हमारे जो है ना सदियों से रीत चलती आ रही है कि हम शस्त्रों की पूजा करते हैं, तो हम इससे ये दिखाना चाह रहे थे राजनाथ जी, हम शास्त्र में और शस्त्र में बिल्कुल निपुण है, तो इसमें गलत क्या? अगर उसने पूजा कर दी, सर ने ये कहा, अभी सर ने ये कहा कि जो हिंदू धर्म है उसकी उसका प्रचार कर रहे हैं। कोई प्रचार नहीं है मैडम जी, कोई प्रचार नहीं है। अब बात सुनो, प्रचार क्या है? बात सुनो, अब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ने कभी सरस्वती की पूजा नहीं करी, इन्होंने भी करी है। तो ये बात सुनो, कल वहाँ पर सोनिया गांधी जी वहाँ गई थी रामलला मैदान में, और रावण जी, ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के फेवर में गई थी, तो उसमें प्रचार की क्या बात है? अब किसी ने बोला भी आप क्यों गए हो रामलला ग्राउंड में, मोदी जी द्वारका में गए हैं मंदिर के अंदर, तो इसमें कोई प्रचार नहीं है। उसने ओम करा, अगर किसी को परेशानी है तो बता दे भैया इलेक्शन में लाग से। मैम एक्चुअली जो लिखने की बात है कि राइफल पर क्यों लिखे, तो पहले आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भारतीय सेना है, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, कोई भी सेना हो, उस हाँ चाहे जल सेना हो, उसमें आप देखिएगा कि धर्म गुरु के अभी भी निकला हुआ है, सरकारी रिजल्ट पर जाइएगा तो धर्म गुरु के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, यानी हर धर्म के लोग वहाँ रहते हैं और उनके लिए पूजा के लिए अलग अलग, मतलब कि धर्म गुरु भी नियुक्त होता है। अभी प्रेजेंट में सरकारी नौकरी खुली है ना, सरकारी रिजल्ट दिया हुआ है उन्होंने बताया। मगर दूसरी बात है कि जो वो राजनाथ सिंह थे तो हिंदू से ज़्यादा रिलेटेड है, तो कहीं भी जाएंगे तो वो अपना संस्कृति कुछ होता है जो वो अपना दिखाते हैं, तो उसके लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए, कहीं धर्म निरपेक्ष है। अगर किसी धर्म को कहीं दूसरे जगह कर दिए तो उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि, मगर किसी प्रकार हो, चाहे किसी भी धर्म के आधार पर हो, मगर आना चाहिए, क्योंकि हमें अगर शक्ति बनना है तो हथियार तो जरूरी है ना, इस तरह सर अगर इस तरह से लड़ेंगे ना तो देश का नुकसान है सबसे पहले, तो इस तरह से आपस में लड़ना देश के लिए नुकसान है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है सर। अगर इस तरह से पूजा कर ही दिया रूल वाली बीजेपी दूसरी वो है, अंग्रेज है रिवाइड एंड रूल, इन्होंने अब राम मंदिर का मस्जिद का बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आने वाला है, इन्होंने उसको दबा के राफेल पे ओम लगा के मुद्दे को बदल दिया है। अब कोई देख रहा है कि राम मंदिर का कोई जिक्र हो रहा है? राफेल की डील तो यार, राफेल की डील तो पहले ही हो चुकी थी। अब बात सुनो 59,000 करोड़ की डील, और उसमें बात सुनो इन्होंने देश को भटका दिया, उसकी कॉस्टिंग भी रिड्यूस करवाई है उन्होंने। वो मुद्दों की पार्टी है, वो नए नए मुद्दे ला रही है। ऐसे भी जहाँ तक श्री राम का बात है ना सर, वो तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में है उसका मुद्दा, वो तो फैसला आ जाएगा दिवाली के बाद आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला देगी, नवंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के
फैसले के ऊपर ही फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट किसी के अंडर में नहीं होता है सर, किसी के अंडर में नहीं होता सुप्रीम कोर्ट। आप कह रहे हो तीन हिस्सों में आपकी राजन गोगोई से क्या बातचीत हुई है क्या फोन पर? नहीं हुई है क्या? तो आप क्या क्या आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो? आपने 57 साल से केस चल रहा है, जब तो भविष्यवाणी करी नहीं। अब ये आप कह रहे हैं भविष्यवाणी तीन हिस्सों में होगा, कितने सर? एक और चीज का जवाब दीजिए कि यहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में 24 तारीख को बीटीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो नेता हैं वो तो नजरबंदी में, तो हम तो उसे लेके अब चुनाव नहीं लड़ रहे, तो हम तो हाथ पीछे कर रहे हैं। और भी तो नेता, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनके सारे नेता नजरबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एक अकेली पार्टी है और कोई नहीं है? कांग्रेस नहीं है वहाँ, लोने हैं हर वह पीपल्स पार्टी है, एक ही पार्टी है बीजेपी और ये है, ठीक है कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है। कम्युनिस्ट का टेगी राम जो है वो भी तो नजरबंद है ना, वो अभी एम्स में इलाज करने है। देश की सुरक्षा लग किया गया है, वो कोई राजनीति नहीं हो, देश की सुरक्षा लग हुआ है तो सही हुआ है कि कश्मीर का हालत खराब नहीं हो गए, उसके लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। बताओ नजरबंद जो है, नजरबंदी है ना, कोई जेल में तो नहीं डाल दिया उनको? श्री हरी राम निवास में रखा हुआ है उमर अब्दुल्ला को, पूरी जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज सारी फैसिलिटी दे रखी है। और वो बात सुनो कबाब, आम पब्लिक 192 पुलिस स्टेशन है, 8 पुलिस स्टेशन को छोड़ के सब जगह धारा 144 हट चुकी है, और सब जगह वो लैंडलाइन जो है 10,000 लैंडलाइन एडिशनल आई है, 6,000 PCO आए हैं, और फिर हॉस्पिटल की सर्विसेज, हॉस्पिटल में पता है कितनी सर्जरी हुई है? 12,000 मेजर सर्जरी हुई है, 57,000 माइनर सर्जरी हुई है। तो ये तो ऐसे बात, हाँ ये रिपोर्ट एक माह 4-4 घंटे खड़े होके लैंडलाइन के ऊपर दिल्ली में अपनी बेटी के लिए इंतजार कर रही है फोन पे बात करने के लिए, और वही बेटी अपनी माँ से कहती है कि 4 घंटे माँ मत खड़ी हुआ कर, मैं यहाँ ठीक हूँ दिल्ली में। कमाल है दिल्ली में, क्या दिल्ली में ठीक? मुझे भी क्या सपने? अरे आपको भी सपने ही आ रहे होंगे, फिर आप मेरे को कह रहे हो? लेकिन कश्मीर की हालात बेटियों से बात कर रही है, इनकी बेटियों ने इनको मेरे पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में है वो लड़की। कश्मीर का जो हालात सही नहीं है, जब कश्मीर का हालात सही नहीं है तो वहाँ निकाय चुनाव होगा कैसे? अभी वहाँ पर 144 लगा हुआ मैडम, ये 2 महीने हुए, अभी 65 दिन हुए हैं। और ये शेख अब्दुल्ला जो था ना, शेख अब्दुल्ला, उसको जवाहरलाल नेहरू के राज में उसे प्रधानमंत्री, मेरा जो मुद्दा उस पर बात करते हैं।